गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? दे आर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। एग्जॉस्टेबल जो मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था, एग्जॉस्टेबल हो गए वो जो ख़त्म हो जाते हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाएंगे उनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल क्या है? ये भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म, ये बनते हैं किससे? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसको बनने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। उनमें से उनकी एक एग्जांपल है कोल, अब मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगी। कोल, ये कोल क्या है? इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल। ये दिखने में कैसा है? इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। ये सख्त पत्थर है, किस रंग का है? काले रंग का पत्थर है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, अब ये जो कोल है ये बनता कैसे है? ये बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या थे? डेंस फॉरेस्ट्स थे, और वो जो फॉरेस्ट्स थे वो दब गए, कैसे? नेचुरल कैलमिटीज़ के ज़रिए वो जो फॉरेस्ट्स थे वो दब गए बाय द प्रोसेस लाइक जैसे स्टॉर्म्स हुए, फ्लड आए या अर्थक्वेक आए, इससे ये जो घने जंगल थे ये दब गए। दे गॉट कंप्रेस्ड एंड मोर सॉइल गेट डिपॉजिटेड ओवर दम। जब ये दब गए तो इसके ऊपर जो सॉइल की है, मिट्टी की परतें चढ़ती गई, और ये ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ज़मीन के अंदर जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये जो थे, ये जो जंगल था, ये जो फॉरेस्टर्स थे, ये क्या हो गए? ये कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। मिलियंस ऑफ, ये मैं आपको रिटर्न में बता रही हूँ क्या लिखा है मैंने, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्टर्स गॉट बरीड अंडर द सॉयल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। यानी कि फ्लड, जब नेचुरल कैलमिटीज़ आई जैसे स्टॉर्म आए, फ्लड, तो ये जंगल दब गए। दे गॉट कंप्रेस्ड एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम, ये कंप्रेस हो गए और कुछ और मिट्टी इस पर चढ़ती गई। व्हेन दे गॉट बरीड डीप इन द सॉइल दे वेयर एक्सपोज टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे ये ज़्यादा अंदर दब गए तो ये वहाँ पे क्या एक्सपोज हो गए, किससे? टेम्परेचर और प्रेशर से। अंडर दीज कंडीशन, और इस कंडीशन में दी स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, ये स्लोली स्लोली क्या हो गए? बदल गए किस में? कोल में, कोयले में। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोल की, किससे? डेड वेजिटेशन से, उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। अब इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज एज ए फ्यूल टू कुक फूड, इसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पे किया जाता है खाना बनाने के काम में। इट इज़ यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, रेलवे इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने में ताकि इंजन्स वर्क कर सके। इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कोल का। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और ये एज ए ईंधन काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। जब इस कोयले को जलाया जाता है तो वहाँ से एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कोल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, उससे तीन प्रोडक्ट्स हमें निकलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, तीन बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब मैं आपको ये एक एक करके बताऊँगी। कोक क्या है? कोक, इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस, ये भी सख्त है और ब्लैक कलर का सबस्टेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आप लिखोगे कोक। अब इसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ स्टील, ये स्टील इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, काफ़ी सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल? कोक का इस्तेमाल। नेक्स्ट इज़ कोल तार, कोल तार क्या है? ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ये काले रंग का एक लिक्विड मटेरियल है जिसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का बना हुआ है। आपको पता होगा कोल तार का इस्तेमाल रोड्स पे बिछाने के काम में आता है, रोड्स बनाने के काम में आता है। अब इसके यूजेस, इट इज़ यूज फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाई, इसे डाई बनाए जाते हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ, परफ्यूम्स यानी कि इतर, पेंट्स,
पेंट जो होते हैं उसमें प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग नेपथलीज बॉल। आपको पता नेपथलीज बॉल मीन्स थरूस आसान छ, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है किसकी, कोल की, क्या बनाने में, कोक बनाने में, तब एक गैस निकलती है जिसका नाम है कोल गैस। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। ये ईंधन के तौर पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन 1810। इन पहले 1810 में ये स्ट्रीट लाइटिंग यानी कि रास्ते में जो बिजलियाँ लगती है ना उसमें काम आता था इन न्यूयॉर्क में। सबसे पहले कहाँ ईजाद हुआ था इसका काम, यूज़ में कहाँ लाया गया था, न्यूयॉर्क में इन 1810। किस में, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट, इसको एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट नाउ ए डेज। यानी कि इट इज़ यूज, ये एक साधन है किसका, हीट का, आजकल देन लाइट, आजकल इसका इस्तेमाल हीट के तौर पे एज ए सोर्स ऑफ हीट किया जाता है। थैंक यू।